कमजोर बिजनेस की वजह से आईटी सेक्टर की घरेलू कंपनियां इस साल मझोले स्तर के 30,000 से 40,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। आईटी कंपनियों में छटनी संभव बताई जा रही है। आईटी सेक्टर में इस छटनी को सामान्य कहा है। उन्होंने कहा कि परिपक्व उद्योग में हर 5 साल में एक बार तो ऐसा होता ही है। पश्चिमी देशों में ये सभी क्षेत्रों में होता है। भारत में भी जब कोई क्षेत्र परिपक्व होता है तब वहाँ मध्यम स्तर पर कई कर्मचारी होते हैं जो वेतन के मुताबिक वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते, और जब कंपनियां तेजी से वृद्धि करती है तब पदोन्नति होती है। लेकिन जब इसमें नरमी आती है तब जो लोग उच्च स्तर पर मोटी तनख्वाह पाते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में कंपनियों को कर्मचारियों की तादाद की समीक्षा और छटनी करनी पड़ती है। ये चीज़ हर 5 साल में होती है। जब तक आप तय मानकों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करते मोटी तनख्वाह का कोई मतलब नहीं है। आपको वैल्यू के अनुसार काम करना होगा। ये पूछे जाने पर मझोले स्तर पर कितने कर्मचारियों की छटनी होती है ये बताया जाता है कि पूरे आईटी उद्योग में 30,000 से 40,000 लोगों की छटनी हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नौकरी गंवाने वाले करीब 80% कर्मचारियों के लिए रोजगार के मौके होंगे बशर्ते वे अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हों। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.